छोड़ दो अब, ठीक है, देखना अगर ब्लर हो जाए तो बताना। चलो तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है किसका, H2O2 का। क्या मतलब है उसका, कि अगर हमने 1 लीटर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन लिया तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि साहब एसटीपी पे ऑक्सीजन का कितना लीटर मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मान लो अगर हमें मिला यहां एक्स लीटर, तब बोलेंगे इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, एक्स है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को वी से डिनोट करते हैं तो बोलेंगे एक्स वी, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से, हमने ये कहा कि यही तो टूट रहा है किसमें, इन दोनों में, यस सर नो। तो अगर मान के चलो कि इसमें सिर्फ प्योर वाटर है, H2O2 है ही नहीं, तो टूटेगा क्या, यस सर नो। अच्छा, अब अगर H2O2 है भी, तो अगर हम अगर अलग अलग अमाउंट ले लें H2O2 का, तब क्या होगा, अलग अलग मिलेगा ऑक्सीजन। तो बेसिकली ऑक्सीजन देने वाला है कौन, नो डाउट आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया क्या, कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेंड एट एनटीपी फ्रॉम 1 लीटर ऑफ एक्वस H2O2 सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये डेफिनेशन हो गया, नो डाउट, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन अब इसमें कितना अमाउंट H2O2 का है बेसिकली, तो वही तो दे रहा है ना ये, तो इसका मतलब इस 1 लीटर में पहले ये तो बता दो सर कि H2O2 कितना, ये सर नो, कोई दिक्कत। मान लिया, लेट अस सपोज कि हमने माना इसकी मोलैरिटी m मोलर है, क्या m मोल पर लीटर मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की, कोई दिक्कत, तो मुझे बता दो, मोलैरिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो मोल बराबर क्या होता, सॉल्यूट का मोल बराबर क्या होता, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या कह दिया गया है, 1 लीटर, क्लियर। तो यहां से क्या बोल दोगे तुम, m इंटू 1, तो ये तो मोल हुआ, m मोल ही तो हुआ। अब आराम से आओ, यहां इक्वेशन तुमसे क्या कह रहा है, यहां कितना मोल है, तो 2 मोल H2O2 से ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, मिल रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर। तो अब बोलेंगे 1 मोल H2O2 से तो कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 1/2, है ना। तो अब दिया कितना है, क्लियर। अगर इसकी मोलरिटी m है तो m के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो अगर m मोल से निकालना हुआ तब क्या लिखेंगे, m/2 मोल, है ना, किसका, ऑक्सीजन का। और क्या चाहिए उसके एक्चुअल में, वॉल्यूम, क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो m/2 का वॉल्यूम कितना होगा, m/2 इंटू 22.4, मतलब क्या, m इंटू 11.2 लीटर, यही ना मिलेगा, अगर मोलेरिटी m है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ये तो मिलेगा। तो हम मोलेरिटी बदलते चले जाएंगे, वैल्यू बदलती चली जाएगी, ये सर नो, क्लियर। तो जनरलाइज्ड वैल्यू क्या लिखेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, बोलो, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू क्या, 11.2 ना, ये तो है, क्लियर। व्हाट इज m, m इज द मोलैरिटी, व्हाट इज m, m इज द मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मोलैरिटी दे देगा तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया तो मोलेरिटी निकाल देंगे। अब मोलेरिटी का किससे किससे रिलेशन है, सबसे, पढ़ चुके ना पिछली क्लास में, तो कोई जरूरी थोड़ी कि मोलेरिटी दे, वो जो दे दे तो हम सब कुछ से निकाल देंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब हर चीज को कहां लेके जाएंगे, मोलेरिटी में, क्लियर है, हर चीज को कहां लेके जाएंगे, मोलेरिटी में। और मोलेरिटी मिल गई तब क्या बात कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। मान लो एक सवाल के तौर पर हमसे कहा गया क्या कि साहब आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हमने, ठीक, लेट्स से ये सॉल्यूशन दिया, और इस सॉल्यूशन में हमसे कहा गया, इस सॉल्यूशन में हमसे कहा गया कि भाई साहब 3.4% W/V सॉल्यूशन है किसका, ऑफ एक्वस H2O2, क्लियर है, 3.4% W/V, परसेंट मास बाय
वॉल्यूम कोई दिक्कत? ठीक, अब आपको कहा जाए कि भाई साहब बताओ इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, तो हम इसको किस में ले जाएंगे? मोलेरिटी में, है कि नहीं? तो अब इसका मोलेरिटी निकाल देंगे, क्लियर? तो इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कि मास कितना H2O2 का? 3.4 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वेरी गुड, 100 ml, मतलब क्या 0.1 लीटर, यही ना? अच्छा, इसका मतलब मोल कितना हुआ सॉल्यूट का? तो 3.4 तो ग्राम है, मोलर मास कितना? 34 नहीं क्या? कोई दिक्कत? तो यहां क्या बोल देंगे बोलो, 0.1 मोल आ गया, और वॉल्यूम कितना हो गया? 0.1 लीटर, क्लियर? तो बताओ तो जरा बेटा मोलेरिटी बराबर कितना कितना हो गया? हो गया क्या 1 मोल पर? ये तो मोलेरिटी हो गया। तो अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ दे आपसे, क्या बोलोगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, 1 × 11.2 बराबर क्या? 11.2 वी आंसर। समझ मारी बात? क्लियर। तो सीधा फॉर्मूला किसके टर्म्स में? मोलेरिटी के टर्म्स में। बट हमें कुछ भी दो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ H2O2 दे दो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दो। मास ऑफ H2O2 पानी का मास दे दो, डेंसिटी दे दो, मतलब हम कोई ऐसी चीज दे दो जिससे हम मोलेरिटी निकाल सके। क्लियर है? हम मोलेरिटी निकाल देंगे, ठीक, और स्ट्रेंथ बता देंगे खट से। कोई तकलीफ? सॉल्व करो, नोट करो, नोट करिए, उसको पॉज कर देते बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है? तो क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, समझ में आया? मान लो एक सवाल लिखो, ए बॉटल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एक्वस H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 10V। क्या लिखा हुआ इस पे? 10V, क्लियर है? ठीक, ऑफ वॉल्यूम 500 ml सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या दे दिया आपको? 500 ml। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? पहला सवाल कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पहला सवाल। दूसरा सवाल मास ऑफ क्या? H2O2 इन द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा सवाल इसमें, इफ 500 ml ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड देन फाइंड आउट न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये है सवाल, क्लियर है? ठीक, कि अपने को क्या दिया हुआ है? 10V लिखा हुआ है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब कितना हुआ? 10। क्लियर। और पूछा क्या पहले? मोलेरिटी। तो अपने पास क्या है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? इसी का, अभी तो लिखा था। क्या लिखा था बोलो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या? हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या? 11.2 × तो मोलेरिटी में निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह क्या दे रखा है? 10 अपॉन क्या? 11.2, खत्म। क्लियर है? ये क्या हो गया? 100 / 112, ये क्या हो गया? मोलेरिटी। कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या? ये तो पहला का आंसर, मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना? 100 / 112, ठीक, मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? तो अगर मोलेरिटी बराबर हो गया 100 / 112, यही ना? ये मोलेरिटी किसका? इनफैक्ट तो बोलेंगे H2O2 का। यस सर नो?
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या लिख दूं, मोलर मास, सॉरी मोलेरिटी, मोलेरिटी कितना 100 इंटू क्या, मोलर मास, सॉरी 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 वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 500 है ना, तो किसमें चाहिए, लीटर में, क्योंकि मिली मोल नहीं निकाल रहे, मोल निकाल रहे, तो किसका मतलब क्या 500 ml का मतलब 1/2, क्लियर है, तो ये कितना हो गया 50/100 मोल, ठीक। उसने मोल तो नहीं पूछा, पहले मोलेरिटी पूछा तो उसका आंसर मिल गया, दूसरा पूछा मास बता दो, मास ऑफ H2O2, तो क्या करेंगे मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50/112 तो हुआ मोल इंटू कितना 34 ना, क्लियर है, तो ये क्या कर देंगे, जीरो तो है ही, और 5 × 20 और 5 × 3 = 15 और 2 = 17, यही ना, हाँ बोलो, ये तो है, कोई दिक्कत, क्लियर, ये हो गई बात, कहीं गलत तो नहीं है कुछ, पक्का डन, ठीक है डन। अब आगे क्या बोला यार, अब बोला गया कि इफ 500 ml इज फर्दर एडेड, अब इसमें अगर हमने 500 ml फर्दर ऐड कर दिया, 500 ml फिर जोड़ दिया, ठीक है 500 ml जोड़ दिया, क्लियर, तो बताओ इसी बोतल का अब क्या होगा, अब क्या होगा वॉल्यूम, बोलो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर, इसी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर, क्लियर, कोई दिक्कत, तो इसी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो वॉल्यूम डबल कर दिया तो मोलेरिटी आधा हो जाता है, पहले मोलेरिटी क्या निकाले हो तुम, यही ना, तो अब कितना हो जाएगा 100/1 = 224, यही ना, लगा देंगे ना, कैसे M1V1 = M2V2, तो M2 = क्या M1V1/V2, या सीधा सीधा बोलो मोलेरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डबल की हो तो मोलेरिटी हाफ हो जाएगा, क्लियर, तो इसका हाफ कितना हो गया 100/224, इतना सबको क्लियर है, बोलो भाई, नए सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो नए का ही तो बोला वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ न्यू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ न्यू क्या बात करोगे, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या 11.2 इंटू क्या मोलेरिटी, है ना, तो 11.2 तो फॉर्मूले का, मोलेरिटी नहीं क्या हो गई है 100/224, यही ना, कोई दिक्कत, तो इसको अगर डिवाइड कर दें, है ना, तो ऊपर कितना 0.1 112 से, तो ये 2 times में कट गया, और इससे डिवाइड कर दें कितना हो गया 50, और ये कट गया कितना हो गया 5 5b, क्लियर है 5b, पहले क्या था 10b, है ना, अब कितना हो गया 5b, क्यों हुआ ऐसा, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत, सिंपली सोच के देखो, आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या था, बोलो मोलेरिटी इंटू क्या 11.2, यही ना, क्लियर, अब मोलेरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 11.2, तो वॉल्यूम डबल करोगे वो तो यहीं से आंसर मिल जाएगा, ये सर नो, क्लियर है, आधे तो होगा, ठीक है, छापो नोट करो, हाँ बिल्कुल डायरेक्टली एकदम, हाँ हाँ, ये वाला सवाल अगर तीसरा पूछ दे तो बिल्कुल डायरेक्टली निकाल देंगे एकदम फौरन, कोई दिक्कत डन बोलिए, हो गया, लिखो सवाल, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 34% W/W, 34% W/W H2O2 सॉल्यूशन, 34% W/W H2O2 सॉल्यूशन हूज डेंसिटी इज 1.2,
किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 1.2 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, है ना। तो डरने की बात नहीं है, किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या, किलोग्राम पर लीटर, और जो ग्राम किलोग्राम पर लीटर है वही क्या होता है, ग्राम पर मिलीलीटर। यस सर नो, बस डू इट। तो अपने पास जो कंटेनर है उसमें क्या दे रखा है, H2O2, है ना, और इस H2O2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है आपके पास, दिस इज एक्वस H2O2 सॉल्यूशन, ठीक। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 34% W/W, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कितना, 1.2 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर ml, है ना। अब परसेंटेज के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, उसको अप्लाई करो, मोलेरिटी निकालो, मोलेरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, क्लियर, डू इट। हम्म, 134.4 बोलो भाई, क्या लिखेंगे इसका, क्या मतलब हम लोगों ने सीखा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, H2O2 कितना ग्राम, 34 ग्राम, वेरी गुड। यहां से क्या निकाल लेंगे, 34 बटा मोलर मास भी 34, तो इसको 1 मोल भी लिख ही सकते हैं। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहां W by V नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बोल दूं, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम, ये तो सीखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बोलो, मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 बटा 1.2, है ना, ये क्या है, ग्राम, और नीचे क्या, ग्राम पर ml, ये सब कट गया तो बचा ml, ये डेसिमल की वजह ऊपर कितना, 100 लगा देंगे, 12 क्या ml, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 लीटर, ये तो क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मिल गया। और मोल आपके पास है तो मोलेरिटी ना बता दोगे, बताओ मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, क्या बोलेंगे, n/V, तो n कितना है, 1 मोल, और वॉल्यूम कितना है, 1/12, तो क्या हो जाएगा बेटा, 12 मोल पर लीटर, यही ना, मोलेरिटी हमें मिल चुकी है, ठीक। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या बोल देंगे, बोलिए क्या हो जाएगा, मोलेरिटी इंटू 11.2, सो इट इज 12 × 11.2, क्लियर, वी आंसर कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 14, 12 × 12 = 13, यही ना, सो इट इज 134.4 वी आंसर, छापो। ठीक, चौंतीस ग्राम मोलर मास H2O2 का, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत, डन, मिटाए, मिटा दे, ओके। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं किसमें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड, ठीक। चलो ये टॉपिक आपका मोल कॉन्सेप्ट में भी कंप्लीट हो जाता है, और यही टॉपिक आपका हाइड्रोजन चैप्टर में भी आता है। चलिए नेक्स्ट है, वॉल्यूम या स्ट्रेंथ लिखो, वॉल्यूम नहीं लिखो, स्ट्रेंथ
ऑफ ओलियम स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम ओलियम किसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ना सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 के मिक्सचर को क्लियर है ठीक तो इसको और क्या बोल सकते हैं H2S2O8 भी बोल सकते हैं है ना लिखो सॉल्यूशन कंटेनिंग प्योर H2SO4 प्योर H2SO4 विथ लिटिल अमाउंट ऑफ SO3 लिटिल अमाउंट ऑफ SO3 इज नोन एज ओलियम इज नोन एज ओलियम ठीक आगे लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम इनफैक्ट अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम की बात करेंगे कि देखो अगर आपके पास ओलियम है ना तो उसका सैंपल होगा समझ रहे ये ओलियम तो इसका अगर सैंपल आपके पास ओलियम का तो आप क्या बात करोगे कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता क्या लिखा जाता परसेंटेज के फॉर्म में मतलब 100 प्लस समथिंग क्लियर है लेट्स से हमने बोला 100 प्लस एक्स परसेंट ऐसा लेवल किया जाएगा इसके बॉटल पे क्या लिखा होगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 5 4 6 जो भी लिखा है क्लियर ऐसा लेवल किया जाएगा क्लियर इसको बोल रहे क्या स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है जितना लिखा है ना क्लियर इसका मतलब यह है कि इतना ग्राम पानी चाहिए इनफैक्ट आपके पास क्या है H2SO4 और क्या SO3 तो ये तो H2SO4 है ही इस SO3 को भी हम लोग H2SO4 बनाना चाहते हैं क्या चाहते हैं SO3 जो है उसको भी H2SO4 बना दें तो कैसे बनेगा ये तो इसमें पानी मिला देंगे पानी मिलाएंगे तो ये SO3 इस H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा और बना देगा H2SO तो ये तो पहले से था ही क्लियर ये एक्स्ट्रा बन गया कोई दिक्कत क्लियर तो अब क्या बात हो रही है अब बात ये हो रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि 100 के अलावा जो भी है क्लियर कितना ग्राम पानी चाहिए किस लिए ताकि सारा SO3 कन्वर्ट हो जाए किसमें ओलियम में क्लियर है समझ मारी बात ठीक तो लिखना हाँ SO3 कन्वर्ट हो जाएगा फिर ओलियम बचेगा ओलियम में नहीं H2SO4 में नहीं वो बन जाएगा तो हाँ, तब भी ओलियम नहीं तब उसको ओलियम नहीं बोलेंगे तब तो प्योर H2SO4 है वो क्लियर है लिखो लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम इज रिटन एज 100 प्लस एक्स परसेंट ऑलवेज रिटन एज 100 प्लस एक्स परसेंट ऑलवेज एक्स मे बी 1 2 3 एक्सेट्रा क्लियर है रिटन एज 100 प्लस एक्स परसेंट ऑलवेज विच मीन्स एक्स ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 100% प्योर H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम क्लियर है इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम क्या मतलब यह है कि इस ओलियम में अगर हमने इसका 100 ग्राम ले लिया कितना लिया 100 ग्राम इफ वी हैव 100 ग्राम ऑफ ओलियम क्लियर तो क्या बात करेंगे हम लोग कि साहब कितना पानी उसमें ऐड कर दें क्लियर तो ये जब पानी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा बोलो H2SO4 क्लियर तो पहले आपके पास कितना था ये सैंपल कितना था 100 ग्राम सब मिला करके
ये सब मिला करके कितना था? कोई दिक्कत? और जब इसमें क्या मिलाओगे? x ग्राम मिलाओगे, क्या? पानी। क्लियर है? x ग्राम क्या मिलाएंगे? इसका कितना मिला रहे बोलो? x ग्राम। ठीक, ये क्या है? सब बात की बात है, हम x ग्राम मिला रहे हैं, और x ग्राम मिलाने के बाद ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर कि हमने यहां x ग्राम मिलाया, ठीक, तो इसको जीरो होना पक्का है, मतलब इसको सब खत्म कर दिया तभी तो प्योर बोलेंगे, वरना अभी भी अगर ये बच गया तो प्योर वाटर, प्योर H2SO4 का एका। क्लियर? ठीक, तो अगर ये x ग्राम इसमें कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट का मास भी तो x ग्राम से बढ़ जाएगा, मास तो बढ़ जाएगा, मास तो कंजर्व है, तो पहले मास कितना था? तो इस पूरे H2SO4 का मास अब कितना हो गया? यस सर, ये मतलब है। क्लियर है? और ये क्या हो गया? 100% प्योर H2SO4 बन गया। अब ये क्या बन गया? 100% प्योर H2SO4 बन गया। अब इसमें अलग अलग टाइप से सवाल पूछ देगा, क्या क्या आपको क्या पता था कि इसका कितना ग्राम था? निकालो उसका मास, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, लेट्स से अपने पास 105% है किसका? ओलियम का। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि 5 ग्राम वाटर इज रिक्वायर्ड। क्लियर? समझ मारी क्या? फॉर ऑब्टेनिंग 100% प्योर H2SO4। कोई दिक्कत? समझ मारी बात? ठीक है, मान लो आपको इसी में सवाल पूछ दिया। क्या सवाल पूछ दिया? ये बताओ कि अपने पास ओलियम में 105%, ठीक, तो ये तो पता है कि 5 ग्राम पानी चाहिए। मुझे ये बता दो कि इसमें SO3 कितना था? SO3 को ही तो न्यूट्रलाइज किया किसने? पानी ने। तो बताओ SO3 का कितना मास प्रेजेंट था जिसके लिए पानी का 5 ग्राम चाहिए? यही ना, ये तो खुलकर बात हो रही है। ओवरऑल बात तो ये, क्या बोलेगा? एन ओलियम सॉल्यूशन इज लेवल्ड एज 105%। क्लियर? फाइंड आउट द मास ऑफ SO3 इन ग्राम इन फ्री स्टेट। क्लियर? क्लियर? तो सवाल अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे तुम? तो क्या बोलोगे कि हम तो रिएक्शन ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SO प्लस गिविंग, यही ना? क्लियर है? ठीक, तो अगर ये 105% है, मैंने बोला अगर ये 105% है इसका मतलब पानी कितना चाहिए? क्लियर? तो इसका कितना चाहिए? 5 ग्राम। कोई दिक्कत? तो मोल बता दो कितना हो जाएगा? ये तो क्या मोल? क्लियर? अब ये सब का रेशियो 1 है, तो इसका मतलब इसका भी तो मोल वही चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितना चाहिए? क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसका मास कितना चाहिए? तो मास बराबर कितना हो जाएगा? 5/18 इंटू उसका मोलर मास कितना होगा? 48/32 80। नहीं क्या? 95% ओलियम होता तो? क्या कह रहे? 95% ओलियम होता। 95 से नीचे मतलब 100 से नीचे का भी हो ही नहीं सकता। जनरली बोला 100 प्लस x। क्लियर है? 95 का मतलब ही नहीं है। ठीक, जब भी लेवल होगा वो क्या होगा? 100 प्लस x। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, 100%, हाँ 100 से ऊपर जितना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमेशा ही क्या लेवलिंग होगी? 100 प्लस x% लिखा होगा ओलियम में। इस x का मतलब क्या है? हाँ, इतना ग्राम पानी मिलाया था कि 100% प्योर H2SO4 मिल जाए। क्लियर है? छापो, लिखो इस पे सवाल। वालेकुम अस्सलाम। लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ फ्री SO3, मास ऑफ फ्री SO3 गैस, मास ऑफ फ्री SO3 गैस प्रेजेंट इन ओलियम सैंपल रेटेड एज 109% 109% लिखा हुआ है किसके? उस ओलियम के सैंपल पे। ठीक,
आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ SO3 का कितना ग्राम फ्री था उसमें, जिसके लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ी है, और इसके डेफिनेशन से मुझे बता दो पानी कितना चाहिए, 9 ग्राम, हाँ 1/2 मोल है कि नहीं, तो मौखिक सवाल बन जाएगा ये सर, नो क्लियर है, yes, समझ मारी बात, yes, तो क्या कहोगे कि सर जी ये था SO3, इसके लिए चाहिए पानी, बन गया H2SO4, यही ना, क्लियर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, H2O, ठीक, तो SO3 का मास पूछा फ्री ना, तो लेट इट इज W, और मोलर मास तो अभी SC पता ही गया है ना, पानी का कितना ग्राम चाहिए, तो जो परसेंट लिखा है कितना परसेंट था, 109% ना, क्लियर, तो ये क्या है 100+9 ही तो लिखोगे, बोलो भाई ये तो परसेंट लिखेंगे, तो कितना ग्राम, 9 ग्राम है ना, तो 9/ क्या कर देंगे 18, ये कितना हो गया आधा मोल है ना, अब यहां से सॉल्व कर लो तो मास बराबर कितना हो गया 40 ग्राम, 40, समझ मारी बात, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, ये कितना है आपके पास 40, किस में, ओलियम, ओलियम कितना था 100 ग्राम, 100 ग्राम ना, ओलियम का तो 100 ग्राम ही तो था, क्लियर है, ओलियम तो 100 ग्राम था, अब वो पूरा का पूरा क्या हो गया 100% बन गया, क्लियर, तो ये 40 ग्राम कहां था, इस 100 ग्राम के सैंपल में, क्लियर, समझ मारी बात, तो चूंकि इनिशियली 100 है ना, तो अगर हमसे परसेंटेज बोल दिया तो क्या मतलब, 100 में जो आया वही तो परसेंटेज है, ये सर नो, अगर परसेंटेज पूछता तो इसी का 40% बोल देते, क्लियर, मास पूछा तो क्या बोला 40 ग्राम, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, लिखो एक सवाल और, इसको नोट कर लो, अगला सवाल लिखो, हाँ POAC लगा दो, बिल्कुल POAC लगा दो, दोनों बराबर, POAC कब लगाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ना, ये तो दोनों रिएक्टेंट है, तो यहां POAC का आएगा, और अगर लगाना है तो नो डाउट यहां भी लगा सकते हैं, रिलेशन तो बनना ही बनना है, वो लंबे मेथड जाएगा, आप इसको पहले क्या करोगे, सल्फर पे लगाओगे, फिर ऑक्सीजन पे लगाओगे, फिर हाइड्रोजन पे लगाओगे, सब कुछ करने के बाद इन दोनों में रिलेशन निकलेगा, तो जो हमें साफ साफ दिख रहा है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो हम काय को जाए लंबे मेथड से, हम POAC जान गए किस लिए, हाँ जब ये सब चीजें आसानी से नहीं होती तो हम POAC लगा करके निकाल लेते हैं कि नहीं, क्लियर है, लिखो एक सवाल, सवाल लिखे, इफ 505 ग्राम ऑफ, इफ 505 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, इफ 505 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 105% ऑफ ओलियम, ऑफ ओलियम, देन कैलकुलेट, ये है 105% ओलियम, इसमें पानी ऐड किया 505 ग्राम, क्लियर, तो क्या बोला, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन बन गया बेटा, समझ रहे, इसमें पहला सवाल मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालो, दूसरा सवाल मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दो, क्लियर, क्लियर, बहुत दिमाग लगा करके सवाल करना, बहुत सुकून से, क्या क्या है चीजें बिल्कुल क्लियर, पहले इसमें क्या होगा SO3 और H2SO4, क्लियर, पानी मिलाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा, सब H2SO4, क्लियर है, अब जरा पानी देखना कितना मिलाया है, 505 ग्राम, हाँ बस कितना ही दिमाग लगाना है, सर कुछ नहीं कि पानी यहां तो बचेगा, अभी तक तो क्या ले रहे थे 100+ समथिंग ले रहे थे ना, तो क्या बोल रहे थे तुम, पानी कितना मिला रहे थे, प्लस में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 9 ग्राम, अब तो आपको साफ बोला कि पानी इतना मिलाया है, अभी तक मैं पानी मिलाने को बोला था, अभी तो क्या बोला था कितना परसेंट है, तो बताओ SO3 कितना, तो तुम अपने दिमाग से बोल लिए, लेकिन यहां तुम्हें एक्स्ट्रा बोला कि परसेंट भी दिया था और बोला पानी भी दिया, अगर तुम्हें यह नहीं देता तो तुम क्या बोल देते, तुम्हारा काम कितने में हो जाता, 5 में हो जाता,
और तुम्हें एक्स्ट्रा क्या दिया गया, 500 अलग से ले, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में 500 ग्राम बचा ले, बस वही सारा खेल है, नहीं क्या? तो मोलेलिटी भी बता दो और मोल फ्रैक्शन भी बता दो, हो जाएगा? तो हम इसको पॉज करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, परसेंटेज में लेते थे। बोलिए क्या होगा? तो क्या लिखा हुआ है? 105% ओलियम दिया हुआ है ना, और 505 ग्राम क्या दे दिया? पानी, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात कि हम लोग यहां क्या बात करेंगे कि SO3 का रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ? H2O के साथ, है ना? तो बनेगा क्या? H2SO4 ये बन जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर यहां 105% बोला, ठीक, इसका मतलब पानी का रिक्वायरमेंट कितना? तो बोलेंगे 5, है कि नहीं? सिर्फ 5 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, ये सर ना हो? तो अगर सिर्फ 5 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो इसमें सारा SO3 कहां कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, तो अब जो पहले H2SO4 था, है कि नहीं, पहले H2SO4 और SO3 मिला करके कितना ग्राम था यहां? 100 ग्राम, ये ना? ठीक, और अगर 5 ग्राम इसमें पानी मिला देंगे तो अब ये कितना ग्राम बन जाएगा बोलो? 105 ग्राम। ये तो मतलब है, बोलो ये तो मतलब है, जब भी ओलियम का बोला जा रहा है आपके पास, 100+X% का मतलब ये हुआ क्या कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या X ग्राम पानी मिलाना है। क्लियर है? समझ रहे? ताकि क्या हो जाए, 100% H2SO4 मिले, समझ रहे? कोई दिक्कत? क्लियर? इसका मतलब कितना ग्राम मिले H2SO4? तो पहले कितना था? 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, और 5 ग्राम पानी उसमें मिला है, तो H2SO4 कितना ग्राम मिलेगा बोलो? ये X अगर है तो इसका मतलब क्या, 100 ग्राम पहले था प्लस X ग्राम मिला है तो कितना हो गया? 100 प्लस X ग्राम किसका? H2SO4 का। सोच के देखो सिंपली कि अपने पास ये सॉल्यूशन है, क्या उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है? क्या है मुझे उससे कोई मतलब? मान लो अगर इसमें 20 ग्राम था कोई भी चीज, हमने बाहर से कोई तीसरी चीज मिला दी 10 ग्राम, तो बोलो अब इस सॉल्यूशन का हमसे सीधा मास पूछा तो क्या बोलेंगे? 30 ग्राम कौन है, क्या है, मुझे उससे तो मतलब ही नहीं है, लेकिन मास तो कंजर्व है। तो पहले 20 ग्राम था और 10 ग्राम मिला दिए तो 30 ही तो होगा। तो पहले सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम। क्लियर है? और डेफिनेशन ये कह रहा है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम पानी मिला दे, तो वही जो 100 प्लस समथिंग लिखा हुआ है उसका मतलब ही वही है। क्लियर? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 105 ग्राम सॉल्यूशन पहले था ना, उसका मतलब तो ये है कि 100 ग्राम ही सॉल्यूशन था, 5 ग्राम पानी मिलाए। क्लियर है ना? अब जाहिर सी बात है प्योर H2SO4 मिले कि प्योर कुछ भी मिले, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो मास पूछा गया। ठीक, तो एक बात साफ बता दी गई कि होगा 100% H2SO4, ठीक है, तो फिर उसी का मास बोलेंगे 105 ग्राम। यस सर, नो? क्लियर? क्या पूरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां H2SO4 कितना ग्राम मिल गया? 105 नए सॉल्यूशन में। तो अब इस सॉल्यूशन में 105 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा 5 ग्राम पानी से, इसका मतलब जो तुम 505 ग्राम मिलाए हो तो पानी भी तो बच गया। क्लियर है? तो अब पानी कितना बच गया इसमें? हाँ, पानी कितना बचा? 500 ग्राम। ये बच गया, ये है नया सॉल्यूशन। ये सर नो? और इसी नए सॉल्यूशन में ये दोनों बात पूछ दी। ये सर नो? तो मान लो मोलेलिटी बोला, अगर मोलेलिटी सॉल्यूशन का बोला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है? H2SO4 है ना? तो H2SO4 का मोल कितना? N बटा W ना? तो मोल कितना? 105/98, यही ना? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कितना किलोग्राम? हाफ, 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, तो ये कितना हो गया? 210/98। यस सर नो? लगभग इसको 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 2.1, लगभग 2,
मतलब 2.1 तो नहीं, 2.1 समथिंग आएगा, क्लियर। खैर जो भी वैल्यू आ जाए, मोलिलिटी तो ये हो गया मोल पर केजी, केजी रहे, क्लियर है नहीं क्या? अगर इसको 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 2.1, लेकिन 100 नहीं है, उससे थोड़ा कम है, तो 2.1 से ज़्यादा ही तो मिलेगा, तो 2.15 मिल सकता है, 1.8 मिल सकता है, जो भी हो तो कैलकुलेट कर लोगे तुम, क्लियर। मोलिलिटी क्लियर है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इसका। तो मोल फ्रैक्शन H2SO4 का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वो कितना है, 105/98 और डिवाइडेड बाय 105/98 और प्लस कितना, 500/18, यही ना, इसको सॉल्व कर देंगे। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया अब आया, छापो अब आया, तो एक और सवाल लिख लो, तो एक और बार लिख लोगे सवाल तो एकदम ही फ्रेश हो जाएगा। ऐसा ही सवाल लिखवा रहे हैं, बिल्कुल सेम। क्लियर है, कोई दिक्कत लिखो। देखिए इफ 510 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, इफ 510 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 110% 110% ऑफ ओलियम सॉल्यूशन, ऑफ ओलियम लिखो, ओलियम 110% ओलियम, देन फाइंड आउट मोलेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट मोलेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्लियर। ऑल्सो कैलकुलेट मोलेरिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 1.2 ग्राम पर ml, मान लिया मैंने, क्लियर है, ठीक है, तो मोलेरिटी भी बताना है, क्लियर। तो अपने पास क्या है, ओलियम है ना, अपने पास है ओलियम, कितना 110% मिलाया, क्या 510 ग्राम, क्या H2O, जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में मोलेलिटी पूछा गया और मोलेरिटी पूछा गया, यही तो करो, करिए। कोई जरूरी नहीं कि आप फ्रैक्शन में वैल्यू निकालो, आप बस सिंपल वैल्यू बता दो, इतना बटा इतना गुना इतना, सिंपल वे में है ना, एग्जैक्ट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वर्जन में एकदम आंसर तक मिलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताओ क्या होगा। हो गया, बोले जाए क्या करेंगे सर, तो सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये SO3
और प्लस एच टू ओ गिविंग एच टू एस ओ फोर, यही ना? ठीक, तो ये जो भी लिखा हुआ है होगा कितना? 100 ग्राम ही ना? कभी कभी 100 ग्राम दे के बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, मान के क्या चलना है, डेफिनेशन तो 100 ग्राम के लिए ही है। ठीक ठीक है, तो इसमें पानी कितना, तो 100 प्लस कितना है 10, जिसका मतलब ये तो 10 मिला है, तो पहले था 100 ग्राम और 10 ग्राम पानी मिला है, तो H2SO4 कितना हो गया बेटा, 110 ग्राम हो गया क्या H2SO4। अस्सलाम वालेकुम पंकज, अच्छा पंकज बैठे, तो कितना हो गया पानी, कितना हो गया 110 ग्राम, क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, H2SO4 कितना हो गया 110 ग्राम, डन। अब इसमें क्या बच गया, अब इसमें क्या बच गया, पानी बच गया, है ना, कितना बच गया 500 ग्राम, खत्म बात, है ना। तो अब अपने फाइनल सॉल्यूशन में दो चीज है, क्या है, 110 ग्राम H2SO4 और 500 ग्राम पानी, है ना, खत्म। ये क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट। ये सर नो, कोई दिक्कत? तो मोलेलिटी तो लगे हाथ निकल जाएगा, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखोगे 110/98 और डिवाइडेड बाय ये 500 ग्राम का मतलब हाफ, तो ये तो सीधा हो गया 220/98, यही ना, कोई दिक्कत? क्लियर। चलिए मोलेरिटी की बात करेंगे तो n बाय v चाहिए, है ना, तो इसके लिए मास निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना, हाँ सॉल्यूशन का मास कितना बोलेंगे 610, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 610/1.ml ना, हाँ तो ये कितना हो गया 6100/12 liter, सॉरी ml, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6.1/12 liter ना, क्या मैं इसको 6 मान लूं, तो 6/12 का मतलब हाफ लीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये भी लगभग वही आ जाएगा, तब मोलेलिटी मोलेरिटी में फर्क नहीं है, तो हमें फर्क करना है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बिठाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा बोलो, मोल कितना, मोल तो वही है 110/98 और यहां क्या हो जाएगा वॉल्यूम 6.1/12, इतने का तो फर्क ला रहा है कौन, मोलेरिटी, ठीक है, तो रखो आप 110/12/98 × 6.1 और इसकी वैल्यू बोलेंगे तो 110/2/ यहां कितना 98, यही ना, ये दोनों में तो फर्क है, अगर हम इसको अप्रोक्स मान लेते भी 2 हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी विच इज ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, क्लियर है, डेंसिटी 1 होता तब बात दोनों की सेम हो जाती मोलेरिटी मोलेरिटी, कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर है पक्का, तब इस पर सवाल आएगा तो कर लेंगे। तो ये था अपना क्या ओलियम का स्ट्रेंथ, बेटा ठीक, अगला लिखिए, अगला देखिए, तीसरा है अपना परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन Cl2, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल Cl2, ये है तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेसिकली जनरली नीट में जेई मेंस में नहीं पूछे जाते, ये सब आईआईटी का स्टफ है, आईआईटी में ही पूछा जाता था पहले भी, क्लियर है, तो अभी भी अगर पूछा जाएगा तो एडवांस में ही, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अगर 30 साल में एक बार कहीं जेई मेंस में नीट में पूछ दे तो उसको पूछना नहीं बोलते, क्लियर है, इसलिए ये ज़्यादातर कहाँ चांस है, जेई एडवांस में पूछेगा, ठीक क्लियर है। लेकिन इस साल में 21 में अगर आप देखोगे परसेंटेज यील्ड पे पहले सवाल नहीं आता था, इस साल 5-5 सवाल 6-6 सवाल परसेंटेज यील्ड पे पूछा गया है, क्लियर है, ठीक। उसी तरीके से जैसे जेलडाल मेथड है, ड्यूमास मेथड है, इन सब पे सवाल कम आते थे, इस साल भरकर के सवाल आया है जेलडाल ड्यूमा पे, है ना, कहाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि इनफैक्ट वो न्यूमेरिकल पार्ट है तो वहां ना पढ़ करके उसको भी हम मूल कॉन्सेप्ट में ही लपेट देंगे, किसको, ड्यूमास मेथड, जेलडाल मेथड, ये सब क्लियर है,
ठीक, तो इन सब पे आप सवाल आने लगे मेंस में भी, तो हो सकता आने वाले टाइम में इन पे भी सवाल आ जाए, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन का मतलब क्या, ये कहां कहां स्टडी किया जाता है, पहली बात तो ये है, ठीक, लिखो, इट इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू ब्लीचिंग पाउडर सैंपल, इट इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू ब्लीचिंग पाउडर सैंपल एंड इज सिंपली डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ क्लोरीन गैस which can be obtained from 100 gram of bleaching powder 100 gram of bleaching powder whenever it is treated with water clear है क्या बोला गया कि 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अगर होता तो उसको रिएक्शन कर देंगे अगर पानी से, तो बताओ क्लोरीन का कितना ग्राम मिलेगा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, क्लियर। अब ब्लीचिंग पाउडर का अपना फॉर्मूला क्या है, CaOCl या इसी को CaOCl2 बोलते हैं, है ना, क्लियर। अब क्या बोलेंगे, क्या बोला गया, इसको पानी से ट्रीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बनेगा, बनता है CaOH होल ट्वाइस और प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होती है, पहले देख लो इक्वेशन तैयार, हमें इक्वेशन नहीं भी मिलता कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा लिखते ये और लिखते क्लोरीन, क्यों, रिलेशन किसके बीच में, इसके और इसी के बीच में तो रिलेशन है, यस आर नो, तो सारा क्लोरीन कहां चला गया, Cl2 में, और ये लगा देते खट से POIC, नहीं क्या, नो डाउट, तुम्हारे पास इक्वेशन तैयार है, तो अब तुम क्या कर लो, इसको बैलेंस कर लो, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड भी है, नहीं क्या, तो या तो तुम स्टोइकोमेट्री से करो या POIC से करो, दोनों में की बात होगी, यहां बनेगा 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, बनेगा ना, Cl पे लगाओगे तो वहां क्या बनेगा, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, दोनों दो दो कट गया तो नंबर ऑफ मोल तो ऐसे भी बराबर हुआ और स्टोइकोमेट्री से बराबर तो है ही, क्लियर है, समझ मारी बात, क्या बोल रहा है इक्वेशन, इसके 1 मोल्स उसका कितना मोल बनेगा, क्लियर, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOCl2 विल बी इक्वल टू व्हाट, तो पहले तो आपके पास बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, यही ना, क्लियर है, अच्छा अब अगर हम इसी को लिख दें मास और मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में, तो इसका मास लिख देंगे W, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या लिखोगे, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 और ये 71, तो कितना हो गया, 6 × 1 = 7 और 7 × 1 = 8 = 4 = 12 है 127, यही ना, बराबर क्या, इसका मास किसका, Cl2 का, क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या, 71, यही ना, क्लियर, कोई दिक्कत, तो अगर हम बोले के ब्लीचिंग पाउडर के मास से क्लोरीन का कितना मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ Cl2 विल बी इक्वल टू 71/127 इनटू क्या, मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बोलो कोई कंफ्यूजन, यही तो मास हुआ, बोलो कोई दिक्कत, ये हो गई बात सर, क्लियर। अब जरा ये से देखो, क्या ये नहीं बोल रहा है कितने में, 100 ग्राम में निकालने हैं, नहीं निकाल दोगे, कोई दिक्कत, तो वही क्या कर दोगे तुम, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से क्या मतलब है, 127 ग्राम से कितना ग्राम मिल रहा, 71 ग्राम, है ना, तो एक से कितना मिलेगा, है ना, तो 100 से कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलिए मास ऑफ Cl2 बराबर क्या मिला,
71 बटा 127 इंटू क्या, मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लियर, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ Cl2 ऑब्टेन्ड। ठीक, लिखो सवाल, सवाल लिखो। हाँ, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर सवाल लिखना। हो गया, डन। ठीक है, अब आओ, हमने क्या बोला, यही CaOCl2 से हमें क्या मिल रहा, बोलो क्या मिल रहा है, वन मोल, वन मोल बोल दिया ना, इसके वन मोल का मास कितना, 127 ग्राम, यही ना, इसके वन मोल का कितना, 71 ग्राम। ये बात, एक तो उसमें सवाल पूछेगा कि CA मतलब ब्लीचिंग पाउडर का मास दे देगा, तो बोलेगा बताओ Cl2 कितना मिलेगा, तो सीधा सॉल्व कर देंगे, क्लियर। और परसेंटेज अवेलेबल पूछा, तब क्या करेंगे बोलो जरा, तब यहां क्या बोलेंगे, 127 ग्राम से कितना मिल रहा, 71 ग्राम, है कि नहीं, 127 ग्राम से कितना मिल रहा, 71 ग्राम, तो एक से कितना मिलेगा बोलो, 71 बटा 127, यही ना, इसलिए 100 से कितना मिलेगा, 71 बटा 127 इंटू क्या, यही ना, क्लियर, ये तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज बराबर सीधा सीधा क्या लिख सकते, 71 अपॉन 127 इंटू क्या, अगर 100%, अब बात सुनना, 100% एफिशिएंट ये रिएक्शन है तो फिक्स हो गया, नहीं क्या, तो परसेंटेज फिक्स कांस्टेंट हो गया ना, इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा तुम्हें, चीज क्या हो गई, लेकिन मान लो एफिशिएंसी बिगड़ गई तो, क्लियर, तब तुम क्या बोलोगे, 71 क्या है मास ऑफ क्लोरीन और 127 क्या है मास ऑफ CaCl2, क्लियर, तुम्हें ये 71 ना दे, ये 127 ना दे, दोनों अलग अलग दे दे, तब तुम क्या करोगे, तब बोलोगे इसका मास बटा इसका मास इंटू 100, नहीं क्या, बोलेगा भाई 5 ग्राम से 10 ग्राम मिल रहा है, 10 ग्राम से 6 ग्राम मिल रहा है, तो हमारे पास ना तो ये है ना तो ये है, हो सकता है रिएक्शन पूरा हुआ ही नहीं, क्लियर है, तब क्या करेंगे, तब क्या बोलेंगे, इतने से इतना मिल रहा तो 100 में कितना मिलेगा, ये सर नो, तो उस टर्म्स में अगर 100% हुआ तब तो यही है सीधा कॉन्स्टेंट, अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो गया बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तब तो वही ना, मान ले पानी लिमिटिंग रिएजेंट हो तब क्या करोगे तुम, क्या ये पूरा खत्म हो गया, नहीं ना, अगर पूरा खत्म नहीं हुआ तो हम कैसे बात कर देंगे, तब ये वाली हमेशा के लिए होगी क्या, नहीं ना, तो फिर हम लोग क्या बात करेंगे, तब परसेंटेज की क्या बात करेंगे, ये क्या है, क्लोरीन का मास है ना, ठीक, तो क्या बोलोगे, मास ऑफ, हाँ, मास ऑफ Cl2 ऑब्टेन्ड है ना, ठीक, डिवाइडेड बाय मास ऑफ CaOCl2 टेकन इंटू क्या, सो यही ना, तो ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल Cl2, ये फॉर्मूला हो गया, बात को समझना, क्लियर, अगर बोला 100% देन दिस इज द आंसर, फिक्स्ड आंसर, क्लियर, ठीक, परसेंटेज बोला तो ये आंसर, कब, जब अलग अलग मास दिया होगा, और तीसरा बोला टोटल मास निकालो तो मास निकाल देंगे, कोई कंफ्यूजन, ये बात है किसके लिए, वन मोल, वन मोल के लिए, 10 मोल दिया तो क्या वही आंसर होगा, नहीं ना, क्लियर है, लिखो सवाल, और पंकज जी क्या हाल चाल, सब मजे में है, हो गया,
डन। ठीक है ठीक है, लिखो। लिखिए, बैठे बैठे। अच्छा बस बस, 5 मिनट 5 मिनट, एक सवाल लिखो रे, फिर इसको पॉज करते हैं। लिखिए लिखिए, 5 मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, 5 मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ वाटर, 5 मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ, लिखना इनफ वाटर, इनफ वाटर मतलब वाटर कम नहीं पड़ रहा है, ठीक, इनफ वाटर, क्लियर, ठीक। फाइंड आउट मास ऑफ, छोड़ो मास छोड़ो मास छोड़ो, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस ऑब्टेन्ड एट STP, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस ऑब्टेन्ड एट STP, एंड फाइंड आउट परसेंटेज अवेलेबल Cl2, परसेंटेज अवेलेबल Cl2, क्लियर है, हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन, ठीक, करिए इसको सॉल्व, इसको पॉज करते हैं हम। चलिए सवाल बोलिए, क्या था क्या था, 5 मोल हाँ 5 मोल है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, 5 मोल बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है ना, ये दिया गया और पानी बहुत सारा, ठीक है, तो ये टूट जाएगा किसमें, मतलब हमें तो Cl2 से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, तो 5 मोल से 5 मोल मिल जाएगा। अब सवाल क्या था, वॉल्यूम पूछा, तो 5 मोल हमें मिल ही जाएगा, 5 मोल मिल गया तो 5 × 22.4 तो यही खत्म हो गया, तो ये 112 लीटर तो ये हो गया आंसर, है ना, और क्या बोला, परसेंटेज बोला था, है कि नहीं, तो ये क्या कर दोगे तुम, नहीं कांस्टेंट कैसे, अच्छा दोनों के मोल बराबर, हाँ तो क्या बोल देंगे, इसका मास कितना हो जाएगा, ये क्या था, परसेंटेज तो ये था ना, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन यही ना, तो क्लोरीन कितना, तो क्या बोलेंगे 5 × 71 और डिवाइडेड बाय फिर यहाँ 5 है ना, इंटू कितना 127, ठीक, इंटू क्या 100, क्लियर, तो ये तोड़ गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक, तो ये है परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, तो इतना जो है एक बार कायदे से आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी इसमें डाउट आए तो पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है, तो अपना ये टॉपिक हो गया, यही ख़त्म, ठीक, तो मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो इक्विवेलेंट मास शुरू करेंगे या बेसिकली हम लोग रेडॉक्स शुरू करते हैं पहले, और रेडॉक्स के बीच में ही हम लोग इक्विवेलेंट मास लाएंगे, ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है अपना समाप्त, ठीक, चलिए मिलते हैं फिर।